La la la. Good evening, my dear children. This is your favorite channel. This is me, Biotronic, India's most trusted, most loved bio channel. And good evening and welcome to this super amazing class that we're taking right now, right here. Kaise ho, chunonu? Mere pyare pyare raiders, how are you doing? This is the second class of bio molecules aur kal hum ye chapter ko khatam kar denge. Kal ki class to bahut 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 important hai because tomorrow we're going to be doing the enzymes, right? And uske baad hum chalenge kuch deep dive into concepts karne. Kya kehte ho? Test karne, concepts karne. What say? Menti. Aaj to bahut mega menti aane wala hai. Mega. Ye kya hai? What is this? Mega menti part 2 का बहुत बड़े वाला menti. मैं पहले पढ़ ले. Yes, ये क्या है menti.com. पहले कर लेते हैं पढ़ाई, उसके बाद कर लेंगे menti जी. What's it? चुनमुनोज, तो ये रहा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास और कल मैं आपको करवाऊंगी एंजाइम्स. आपके लिए भी माय डियर लवली बैच ऑफ रेडर्स 2022, आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग द एनसीईआरटी सरप्राइज टेस्ट सीरीज. Yes, with the OMR. OMR बन चुकी है, जो OMR मैं आप लोगों को आज ऑन द टेलीग्राम ग्रुप भेज दूंगी. दिस इज द नीट एडवांटेज. एंड वॉट इज द नीट एडवांटेज? यू हैव द OMR एडवांटेज, राइट? OMR माफ करेंगे. कल आपने फोटोसिंथेसिस करना है क्लास 11th के लिए, तो कल फोटोसिंथेसिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का टेस्ट है, एनसीईआरटी का सरप्राइज टेस्ट है, सुबह एट 10 o'clock, राइट? और ये चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा आप लोगों के लिए भी टेस्ट आ जाएगा. चलो, तो कल मैं आपको कराऊंगी बायो मॉलिक्यूल्स में एंजाइम्स, राइट? कल हम सुबह पढ़ेंगे एनसीईआरटी सरप्राइज टेस्ट, एनर्जी फ्लो एंड बायो मॉलिक्यूल्स में एंजाइम्स, गाइस, राइट? एंजाइम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कल 5 o'clock. तो अब क्लास को शुरू करते हैं. आपको पता है कि 3 बजे की क्लासेस शुरू हो चुकी है. आज तो 1200 स्टूडेंट्स वर देयर, राइट? इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. चलो शुरू करते हैं सुपर से भी ऊपर धमाकेदार क्लास. बट बिफोर वी बिगिन, चैनल को टडिंग लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा? मेरे चुनुगुनु गैंगस्टर्स ही तो करेंगे. गुड इवनिंग. थैंक यू प्रांजल, थैंक यू रश्मिता, शिफा, अफसिया. बट यू नो व्हाट, चिल्ड्रंस डे के छोड़ो, नहीं बताते. I want to gift you something and I'm doing something as a gift. So let's just see how it works out. Right? Do join our Telegram group at Vedantu_Biotronic. This is our Telegram group and you've got to join it just so that you can stay in touch with our super amazing channel and you can find out all the super awesome things which happen. Daily question assignments. Achha, kitne bachchon ne bahut motivation quotes padhe? I started to send some really amazing motivational quotes. Have you been reading them? Right? And getting motivated and studied. So let's start with NCERT underline biomolecules. Aaj biomacromolecules ki class hai. Class ke baad we will be doing the menti quiz. So let's start with metabolites. Humne exactly yaha par, right? Humne exactly yaha par last class ko khatam kiya tha. Chalo. तो आज की क्लास हम एग्जैक्टली यहीं से शुरू करते हैं. आई विल टॉक अबाउट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, आई विल टॉक अबाउट प्रोटीन्स, आई विल टॉक अबाउट लिपिड्स, आई विल टॉक अबाउट डीएनए. ठीक है, चलो. तो मेरे सारे रेगुलर बच्चे एक हाथ बना दीजिए, मेरे सारे चुन्नू मुन्नू रेगुलर बच्चे एक बहुत बड़ा सा लाइक कर दीजिए. चलो फटाफट से और फिर स्टार्ट कर लेते हैं मेटाबोलाइट्स. मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जनरली प्रोडक्ट्स होते हैं. दे आर बेसिकली प्रोडक्ट्स. कई प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हो सकते हैं या प्लांट्स में प्रोड्यूस हो सकते हैं जो हम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं. देयर कुड बी सम प्रोडक्ट्स, राइट माय डियर लवली किड्स, सम प्रोडक्ट्स कुड नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड. कई प्रोडक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, राइट एवरीवन? यस. तो कई प्रोडक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं. तो आ जाइए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे. हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर ली है, हमने आइसोलेट कर लिए हैं थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, स्मॉल एंड बिग. हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर लिया है. वी हैव बीन एबल टू, सम ऑफ देम वी आर इवन एबल टू आर्टिफिशियली सिंथेसाइज देम. यस और नो? मेंटी जब आएगा तो हाउ डू यू ज्वाइन मेंटी, मैं आपको बता दूंगी.
है ना. बट अगर मैं एक लिस्ट बनाऊंगी ऑफ बायोमोलिक्यूल स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड शुगर, ये लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी. बट कुछ ऐसे कंपाउंड हैं यस जो अगर मैं देखूंगी दे आर बेसिकली यूजफुल. सो दीज आर वंस विच आर बेसिकली यूजफुल लाइक अमाइनो एसिड लाइक शुगर्स. दीज आर रेफर टू एज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. राइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स अमाइनो एसिड शुगर की मेरे काम की चीजें हैं. दे आर यूजफुल फॉर मी. आई वांट टू कॉल देम दी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. क्या कहूंगी बेटा मैं इनको, मैं इनको कहूंगी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. वेरस कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको अदर देन प्राइमरी जो शायद मेरे किसी डायरेक्ट काम के नहीं है. राइट प्रशांत मीना, राइट अथर्व, दीज आर नॉट डायरेक्टली ऑफ यूज टू मी. एग्जाम्पल एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, पिगमेंट है, स्पाइसेस, गम्स, रबर, दे आर नॉट ऑफ डायरेक्ट यूज. डायरेक्ट यूज नहीं है, दीज आर अदर देन प्राइमरी, एकदम मेरे डायरेक्ट यूज के नहीं है. दीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड माई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. राइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट का आइडेंटिफाइबल फंक्शन है ये एमसीक्यू है. प्राइमरी मेटाबोलाइट लाइक आई टोल्ड यू आर द वंस व्हिच आर ऑफ यूज टू बी, राइट दिस डाउन. द वन व्हिच इज ऑफ यूज टू बी इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट. द अदर व्हिच आई डोंट नेसेसरली यूज पर वेस्ट भी नहीं है इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट. राइट, हाउएवर काफी सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे भी है जो यूज करते हैं. गम्स हम यूज करते हैं, ड्रग्स हम यूज करते हैं, स्पाइसेस, सेंट्स हम यूज करते हैं, बट बेसिकली एनर्जी देने वाले नहीं है. सो द वंस व्हिच गिव अस एनर्जी आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स लाइक अमाइनो एसिड्स लाइक शुगर्स, व्हेयरएज द अदर्स आर रेफर्ड टू एज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट. Do you know of morphine codeine? Very important from MCQ point of view. Morphine और codeine कहाँ से आता है? Papaver somniferum. लिखोगे? Please will you write this down? Sejal, Sana, Pragati, Viola. कहाँ से आता है morphine codeine? They come from Papaver somniferum poppy. Monoterpenes, diterpenes, terpenoids. They are the ones which are used to make turpentine oil. Abrin, ricin, toxins hai. Lemongrass, lavender, these are essential oils which we use. Wincristin, winblastin, curcumin. Curcumin aata hai haldi se. Curcuma longa gives you curcumin. So curcumin comes from curcuma longa. These are drugs. You have rubbers, gums and cellulose. We will talk about cellulose in a lot of detail. So these are secondary metabolites. The ones which are referred to as the primary metabolites are basically the ones which are amino acids, which are sugars. These are the primary metabolites. Whereas the others like alkaloids, terpenoids, essential oils are referred to as the secondary metabolites. This is a very, very, very important slide. ठीक है जी, चलिए. So let us now move ahead to the next one. Macromolecules. अब मुझे ये बताओ macromolecule का मतलब क्या होगा? Any molecule which is big in size, can I call it macromolecule? Any molecule which is big in size, can I call it the macromolecule, Poonam? Yes, it is going to be called the macromolecule. Right? There is one feature common to all those compounds found in the acid soluble pool. जो भी एसिड में घुल जाएगा, जो भी एसिड सॉल्यूबल होगा, देयर वेट विल बी फ्रॉम 18 टू 800 डाल्टन्स. राइट दिस डाउन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. राइट, 18 टू 800 डाल्टन. एसिड इनसॉल्यूबल जो है, इनसॉल्यूबल, उनमें चार टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनसॉल्यूबल में. कौन है वो चार टाइप के कंपाउंड्स? लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, proteins and nucleic acids. Yes, insoluble hai char type ke. Lipids, polysaccharides, nucleic acids and proteins. Very good, very good. इसीलिए क्योंकि कई एसिड में डिसॉल्व होते हैं और कई एसिड में डिसॉल्व नहीं होते हैं. That is why we have two types. We have two types. Myomolecules are generally of two types. What are the two types? Acid insoluble and acid soluble. Two types kya hai aapke? Acid insoluble
and acid soluble. The acid insoluble fraction, the molecules in the insoluble fraction, with the exception of lipids, are polymeric. Very, very important. जितने भी इनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल, ये क्वेश्चन कम से कम 20 टाइम्स नीट में आ चुका है. एसिड इनसॉल्युबल आर पॉलीमेरिक. पॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ मोनोसैकेराइड्स. न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ शुगर बेस एंड फॉस्फेट. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड. दे आर पॉलीसैकेराइड्स. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हार्ट बना दो, हार्ट बना दो, हार्ट बना दो, हार्ट बना दो. बंसी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सारे मेरे बच्चों को समझ में आ गया? यस और नो? यस. तो मैं अभी आपको हार्ट बनाओ. चलो मैं आपको दोबारा ये पूरा समराइज करके बताती हूं. आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, सबसे पहले आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो या तो एसिड सॉल्यूबल होंगे या एसिड इनसॉल्यूबल. पॉइंट नंबर वन, अगर एसिड सॉल्यूबल होंगे तो इनका वेट होगा 18 से लेकर 800 डाल्टन्स. इसके अलावा आपके पास एसिड इनसॉल्यूबल होते हैं. इनसॉल्यूबल जो है आपके पास वो कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के हैं. कौन से 4 टाइप्स हैं? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड. प्रोटीन क्या है आपका? प्रोटीन इज अ पॉलीमर. किसका बना है? व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? अमाइनो एसिड. न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर. व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? शुगर बेस एंड फॉस्फेट. पॉलीसैकेराइड इज अ पॉलीमर. व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? मोनोसैकेराइड. व्हेनेस लिपिड इज ओनली मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. Lipid is only made up of glycerol and fatty acids. Lipids are not polymeric. Write this down. Lipid polymeric नहीं है. अमोग, प्रगति, सलोनी, समझ में आया? Lipids polymer नहीं है. Then why do lipids whose molecular weights do not exceed 800 daltons come under acid insoluble? बेचारा लिपिड जो 800 से ज्यादा भी नहीं है, बिकॉज ये क्या है? सॉल्यूबल. लिपिड तो इतना ही है. लिपिड इज, बताओ बताओ बताओ, लिपिड इज लेस देन 800. यही तो है ऑसम चीज. देयरफॉर व्हाई इज इट इनसॉल्यूबल? कौन बताएगा? कौन बताएगा व्हाई इज इट इनसॉल्यूबल? कौन बताएगा? बता दो. चलो, वेरी गुड. इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं. क्योंकि लिपिड होता है मेम्ब्रेन में. कहां होता है लिपिड? लिपिड होता है मेम्ब्रेन में. और जब मेम्ब्रेन को मोर्टार एंड पेसल में ऐसे करते हैं तो उसके क्या बन जाते हैं? वेसिकल्स. लेट मी टेल यू दिस. लिपिड क्या है आपका? लिपिड क्या है आपका? लिपिड की जो बाइलेयर है ना, यही तो सीखना है आपने एनसीईआरटी से. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम द एनसीईआरटी. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? लिपिड आपका इनसॉल्यूबल है. क्यों? जबकि उसका वेट कम है, उसका वेट लेस है. क्योंकि लिपिड इवन दो वेट इज लेस, क्यों इनसॉल्यूबल है वो? क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन में होता है. इट इज प्रेजेंट इन द बाइलेयर. करेक्ट. लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन में है. जब वो मेम्ब्रेन में है और आपने क्या यूज किया? मोर्टार एंड पेसल. क्या यूज किया आपने? मोर्टार एंड पेसल. तो फिर मेम्ब्रेन में क्या बन गया? वेसिकल्स. ये गोले, ये गोले, वेसिकल्स ऑफ लिपिड्स व्हिच आर इनसॉल्युबल. बिकॉज वॉटर, इट इज वॉटर हेटिंग, सो इट बिकम्स इनसॉल्युबल. लिपिड है ना, वॉटर को हेट करता है, सो देयरफॉर इट बिकम्स इनसॉल्युबल इन वॉटर. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बना दो हाथ. चलो फटाफट लाइक कर दो. अभी के अभी, अभी के अभी मुझे सारे बच्चों से एक बहुत बड़ा सा लाइक चाहिए. अभी के अभी. डिड यू गेट माई पॉइंट एवरी वन? ऑन माई स्क्रीन प्लीज. This is the best that could be. Awesome blossom. So it hates water. तो जब आप उसको ऐसे करोगे ना, mortar and pestle is going to make your
vesicles. Let me read that out for you. This is mentioned in your NCRT. So, jab aap lipid ki cell membrane ko break karoge, they will form vesicles which are not water soluble. Therefore, wo acid insoluble pool mein aa jayega. Wo soluble hi nahi hoga. Understood? Aur acid soluble kaun hai? Did you get this point? Kitne bachcho ko samajh mein aaya? Heart bana do. Chalo 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 is pe MCQs aate hain. Aur jo acid soluble hai na, wo zyadatar cytoplasmic components hote hain. Understood? Is that clear? So, सबसे important और last but not the least जो line आपके लिए important आती है, water is the most abundant chemical in the living organism. कल ये topic मैं करवा दूंगी खत्म. Enzymes तो सबसे important है. Enzymes से ज्यादा important तो कुछ है ही नहीं. सबसे important enzyme है, कल ये topic मैं खत्म करा दूंगी और परसों आपके लिए सबसे amazing chapter लेकर हम नया unit start कर देंगे. Did you understand? Lipids क्यों हमने डाले हैं acid insoluble में? Lipids का weight is below 800. So can you see 70 to 90? मैंने आपको last class ecosystem वाली class में भी पूछा था MCQ cellular mass में what is the percentage? 70 to 90. Ions की percentage is the least. Water की percentage is the most. The maximum is water percentage. Let us now move to proteins. Now, before I move to proteins, do you know this? That proteins basically are a combination of amino acids. So, when you join amino acids in a chain, that is referred to as the primary structure of the proteins. Now, suppose here you do have a NH2 group. Imagine कीजिए और imagine कीजिए मेरे प्यारे बच्चों that यहाँ पर आपके पास COOH group है. तो क्या मैं इसको amino terminal कह सकती हूँ? See, इतना chemistry तो मुझे भी आता है. Can I call this the amino terminal? बिल्कुल ma'am. And can I call the last one as the carboxyl terminal? Can I call this one as the carboxyl terminal? Please make your handmade mind maps. बिल्कुल. और अगर अब मुझे अमाइनो एसिड्स को जॉइन करना है, राइट एवरीवन, अगर मुझे अमाइनो एसिड्स को जॉइन करना है तो एक COOH और इसका NH2 अगर मुझे जॉइन करना है, राइट, ये इस अमाइनो एसिड का AA2 कह देते हैं, इसको अमाइनो एसिड 2, इसको कह देते हैं अमाइनो एसिड 1. तो अगर मुझे इनको जॉइन करना है, आई नीड अ पेप्टाइड बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड चाहिए मुझे? आई नीड अ पेप्टाइड बॉन्ड. तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा COOH, तो बन जाएगा AA1 CONH AA2, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स लिंक हो जाएंगे. एंड व्हाट इज गोइंग टू कम आउट? डिहाइड्रेशन. इधर से H और इधर से OH. So water is going to come out and I will have a peptide bond. अब मुझे बताओ, यहाँ पर अनुष्का बताओ, भूमिका बताओ, कौन सी enzyme काम करेगी? Peptidyl transferase. Which enzyme will work? Peptidyl transferase. अब मैं आपको एक बड़ी simple सी चीज बताना चाहती हूँ, बड़ी simple. मान लीजिए मैं कोई धागा ढूंढ के लाती हूँ. तो मान लीजिए अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स है, देखो सिर्फ अमाइनो एसिड्स नजर आ रहे हैं. सी अमाइनो एसिड और थ्रेड, तो वो होगा मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर. क्या इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को, क्या इस ब्लू प्राइमरी स्ट्रक्चर को मैं एक स्पाइरल फॉर्म में अरेंज कर सकती हूं? तो क्या ये मेरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा? वेरी गुड शिवा लक्ष्मी, यू आर वेरी ब्राइट, प्राउड ऑफ यू. क्या वो मेरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा? क्या मैं इसको एक इमेजिनरी बॉल की तरह कर सकती हूं? कैन आई ट्विस्ट इट अराउंड लाइक एन इमेजिनरी बॉल? कैन दैट बी द टर्शियरी स्ट्रक्चर? यस, राइट. जस्ट लाइक द हीमोग्लोबिन हैज टू अल्फा चेन्स एंड टू बीटा चेन्स. सो आई हैव वन अल्फा, वन यू नो टू अल्फा एंड लेट्स से टू बीटा चेन्स. सो कैन आई मेक लाइक अ ग्लोब्यूल आउट ऑफ इट? Right? So this is the basic information about amino acids and let us now move ahead. Protein kya hai? Lipid aapka polymer nahi tha. But protein aapke kya hai? Poly ka matlab many, peptide bonds. Kis se joined hai? Peptide bonds se joined hai.
किसका पॉलीमर है, अमाइनो एसिड्स, कितने टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, 21 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स. सिस्टीन कैसा अमाइनो एसिड है, मीथियोनिन कैसा अमाइनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग, वो अमाइनो एसिड जो मुझे डाइट में खाना पड़ेगा, व्हाट इज इट कॉल्ड, वो अमाइनो एसिड जो मुझे डाइट में खाना पड़ेगा, एसेंशियल, यस और नो, एसेंशियल, जरूरी है. Yes, it is essential for me, just like we Biotonians, meeting them daily. और वो जो मुझे नहीं खाना, वो जो मुझे नहीं खाना, वो जो मुझे नहीं खाना, right, are the non-essential. Yes, are the non-essential. Is that clear, everyone in my class? Correct, everybody? So, essential amino acids होते हैं, non-essential amino acids होते हैं, sulfur containing amino acids होते हैं, 20 amino acids होते हैं, right? How many? 20 amino acids are present. Is it clear? Now, amino acids आपकी nutrition में बहुत important है, because they are the ones which cause the wear and tear, car repair, right? So, these are the ones which form your muscles. Wear and tear में क्या करते हैं ये आपकी body में? They help you to repair the body. Perfecto, right? तो अब हम आगे चलते हैं. तो जो हमें supply हो रहे हैं, जो supply करने पड़ते हैं, वो essential amino acids हैं. और जो हम खुद manufacture करते हैं, Mayuri, wish you a very happy birthday, are the non-essential ones. आपकी membrane को कौन बना के रखेगा? Protein, infections. अच्छा, ये बताओ, आपकी बॉडी में जितने भी इम्यूनिटी में फाइट करने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, तो आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन बनाता है? आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन बनाता है? एंटीबॉडीज कहां से बनते हैं? प्रोटीन्स. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, everyone. और डेली 5 बजे क्लास होगी बेटा, मैं आपका पूरा सिलेबस खत्म करवा दूंगी, राइट? सो कोलेजन, जो कि एनिमल्स का सबसे ज्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं लिखवा रही हूं आपको, एनिमल्स में सबसे ज्यादा होता है कोलेजन, राइट? ये आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी का बेस बनाता है, एरियोलर टिश्यू. तो जितने भी आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें ग्राउंड सब्सटेंस होता है, एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, हॉर्मोन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सेल के रिसेप्टर्स. सेल में रिसेप्टर कौन होते हैं? प्रोटीन्स. एंड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाने वाले चैनल्स कौन होते हैं? Proteins. Now, do you remember the primary, secondary, tertiary structure? Right? Or sabse zyada important kaun hai? Collagen in animals, rubisco in plants. It is the most abundant protein in the world. Kam se kam 5 ya 6 baar MCQ mein aa chuka hai. Theek hai? Ab carbohydrates bhi hote hain. Carbohydrates. Carbohydrates bhi kya kehlate hain? Acid insoluble hai. They are long chain of sugars. Is it clear? तो बहुत सारे जब monosaccharides जुड़ जाएंगे, बहुत सारे sugars जुड़ जाएंगे monosaccharides, तो वो क्या बन जाएगा? Polysaccharide. हमारी body का storage polysaccharide कौन है animals का? Glycogen. Plants का कौन है? Starch. Plants का कौन है? Starch. और animals का कौन है? Animals में है glycogen. अच्छा, glycogen बनता कहाँ है? Where do you manufacture glycogen? Liver. Where do you manufacture glycogen? Liver. Where do you store it? You store it in the muscles. Done, done, done. So where do you manufacture it? You manufacture it in the liver. And where do you store it? You store it in the muscles. Right, everyone? Agar sare ek jaise hain, one, 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 you will obviously call it a homopolymer. Agar sare aise hain, one, two, three, अलग अलग टाइप के, four, what do you call it? You call it a heteropolymer. इसका नाम क्या होगा बेटा? Hetero, hetero. जब अलग अलग है तो heteropolymer, जब same same है तो homopolymer. Done, done, done. अब इनके examples जो है ना, वो मैं आपको by heart करवाने वाली हूँ, बड़ा ही ज्यादा important है, ठीक है जी? चले full speed पे आगे, full speed पे आगे चले. चलो जी, let us start. सबसे पहले प्लांट्स में कौन होता है? सबसे पहले आ जाओ, सेलुलोज इज अ पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड जिसमें सिर्फ ग्लूकोज है. सेलुलोज के पास सिर्फ ग्लूकोज है, तो सेलुलोज क्या हुआ?
सेलुलोज के पास सेलुलोज हैज ओनली गॉट ग्लूकोज रेज टू पावर एन. तो सेलुलोज क्या हुआ? होमोपॉलीमर. और सेलुलोज का एक वेरिएंट जो प्लांट्स के पास होता है उसको कहते हैं स्टार्च. जो एनिमल्स के पास होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोजेन. वेरी इंपॉर्टेंट. इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. इन्यूलिन, तो इन्यूलिन हमारी बॉडी में बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता, हम उसको यूज नहीं कर सकते. इसलिए वो किडनी के फंक्शन टेस्ट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. बॉडी से ऐसे कैसे बाहर चला जाता है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूं तो राइट साइड पे रिड्यूसिंग कार्बन होता है, लेफ्ट एंड पे नॉन रिड्यूसिंग कार्बन होता है. स्टार्च पता है आपको कैसा होता है? स्टार्च, स्टार्च ना आपका हेलिकल फॉर्म में होता है. और इस हेलिक्स के बीच में इसके पास क्या होता है? आयोडीन मॉलिक्यूल्स. और इसीलिए स्टार्च का कलर क्या बन जाता है? ब्लू. फोटोसिंथेसिस में जब हम देखते हैं ब्लू. प्लांट सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, राइट? सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन हेलिक्स. सेल्यूलोज के पास कोई हेलिक्स नहीं होता. सेल्यूलोज इज बेसिकली शीट. सेल्यूलोज के पास तो हेलिक्स ही नहीं होता. हेलिक्स नहीं होगा तो आयोडीन नहीं होगा. कितना इजी है, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? डन 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 डन. परफेक्ट, परफेक्ट. चलो, तो ये दिख रहा है आपको, ग्लाइकोजन का पोर्शन दिख रहा है आपको, राइट? ये देखिए पूरा ऐसे ये चलता ही चल. तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? दे आर शोइंग यू द काइंड ऑफ बॉन्ड्स व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स. द सिमिलर मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड, देयरफॉर इट बिकम्स होमोपॉलीमर, राइट? बट गाइस एक चीज है, सारे अपने उन बच्चों को बताना यार जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उन सारे बच्चों को अपने वी बायोट्रॉनिक के बारे में बताना है. यस और नो? कम ऑन बायोट्रॉनियंस, आई वांट यू ऑल टू टेल ऑल आवर सुपर अमेजिंग स्टूडेंट्स अबाउट इट, राइट? कॉटन फाइबर एक सेलुलोज है, राइट? अब मैं स्ट्रक्चर पे भी आने वाली हूँ, न्यूक्लिक एसिड के बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आने वाली हूँ. कॉटन फाइबर आपका सेलुलोज है. द मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स इन नेचर, दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स. अमाइनो शुगर्स होती है. अमाइनो, आपको पता है ग्लूकोसामीन कहाँ होता है? ग्लूकोसामीन होता है आपके नी जॉइंट में. नी जॉइंट में ग्लूकोसामीन जाकर कार्टिलेज बनाता है, आपको पता है ये बात? एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन ग्लूकोसामीन कार्टिलेज बनाते हैं नी जॉइंट का. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. आपको पता है आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन भी पॉलीसैकेराइड है जिसको काइटिन कहते हैं, काइटिन. बट ये सारे क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन काइटिन क्या है? दीज आर हेटेरोपॉलीमर्स. व्हाट आर दे? दीज आर हेटेरोपॉलीमर्स. तो लाइक कौन करेगा? फंगस में होता है, राइट? दीज आर हेटेरोपॉलीमर्स. अब आप न्यूक्लिक एसिड्स पे आ गए. न्यूक्लिक एसिड्स तीन चीजों से बने होते हैं. देयर इज अ शुगर, देयर इज अ बेस एंड देयर इज अ फॉस्फेट ग्रुप. अगर तो वो डीएनए है ना बच्चों, तो डीएनए की शुगर क्या कहलाती है बच्चों? डी ऑक्सीराइबोज. क्या कहलाती है? डी ऑक्सीराइबोज. दैट मीन्स देखो बेटा, जो शुगर है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो एक पेंटोज शुगर है. पेंटोज शुगर का मतलब क्या होता है बेटा? फाइव कार्बन. इट कंटेन्स फाइव कार्बन. डीऑक्सीराइबोज है, दैट मीन्स सेकेंड कार्बन में माइनस ओ है. द सेकेंड कार्बन डज नॉट हैव ऑक्सीजन. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? राइट एवरीवन? यस एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड? कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स आर रेफर्ड टू एज द हेटेरोपॉलीमर्स, करेक्ट? राइट? यस. चले आगे. नो प्रीत आनंद, चलो आ जाओ. राइट, चलिए. तो यहां पर आपका देखो, यहां पे डाल देते हैं. तो ये आपका जो ये, अब ये टू, तो आपका अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए में क्या होगा? राइबोस. डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सी राइबोस एंड राइबोस? यस अमर, यस. डीऑक्सी राइबोस और राइबोस में डिफरेंस क्या है बता दो पहले.
डीऑक्सीराइबोज के सेकेंड कार्बन में एक ऑक्सीजन कम है, राइबोज के पास हर एक में ऑक्सीजन है. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड, वेरी गुड. आ जाइए शुगर्स. बेस क्या होते हैं आपके? बेसिस जनरली आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. व्हाट आर द नाइट्रोजनस बेसिस? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन. अगर आरएनए की बात हो रही है तो आरएनए के पास थाइमिन नहीं होगा और होगा एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन. आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस इन अ लॉट ऑफ डिटेल. अभी एक एक करके लेट अस रीड दिस एंड आई विल एक्सप्लेन इट इन अ लॉट ऑफ डिटेल. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक हार्ट तो बनाना बनता है गाइज, अगर आप सबको ये चीज समझ में आ रही है. ओके, चलिए. ओके राइट, आ जाइए. अब एक चीज और, फॉस्फेट पे होता है हमारा H3PO4 जो कि डीएनए को जनरली एसिडिक करता है. डीएनए को जनरली क्या करता है? एसिडिक. बच्चों आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? जैसे स्पेशली प्रीत आनंद करके एक बच्चा है जो बड़ा ही ज्यादा अलग ही कंफ्यूज होके घूम रहा है. राइट प्रीत आनंद, रोज तो आप कंफ्यूज भी होते हो. काइटिन अकेला एक होमोपॉलीसैकेराइड है बच्चों, और वो सिर्फ आपका एन एसिटाइल ग्लाइकोस गैलेक्टोसामाइन का है काइटिन. राइट, वो यहां पर काइटिन की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो उसको हेटेरोपॉलीमर कहा जाता है. व्हेनेवर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मीट इट्स कॉल्ड एज हेटेरोपॉलीमर. सिंपल, डन एवरीबॉडी? नाउ इज इट क्लियर? Yashwant, I'm talking in English only, my dear child. Yes, everyone. Exactly. So it is homo. It is. That's exactly what I'm saying. It is homopolymers. Did you understand that, everybody? They're just trying to say, yahan par chitin to obviously aapka homo hi hai. Done, everyone? Happy? Theek hai. Yup. हाथ बना दीजिए, परफेक्टो जिलेटो विलेटो, आ जाइए. तो अब आप न्यूक्लिक एसिड्स पे आ जाइए. न्यूक्लिक एसिड्स आपका डीएनए बनाते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं. व्हाट आर द थ्री टाइप्स? शुगर, बेस एंड फॉस्फेट. शुगर कौन सी होती है? डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस, आरएनए है तो राइबोस. बेस कौन सा होता है? बेसिस आर नाइट्रोजनस बेसिस, और नाइट्रोजनस बेसिस का नाम क्या होता है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन इन डीएनए. डीएनए में टी होगा, आरएनए में यू. डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये कितने चीजों के बने हैं? आपके तीन चीजों के. बेटा जब आपका शुगर और बेस सिर्फ होगा, देयर इज नो फॉस्फेट, ओनली शुगर एंड बेस, वी कॉल इट न्यूक्लियोसाइड. क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोसाइड. और जब आपका शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट होगा, इसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड. लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट. मेंटी में आने वाले 5 मिनट्स के बाद, तो क्या कहेंगे हम इसको? न्यूक्लियोटाइड. एनी डाउट्स? मेक हार्ट्स ऑन योर स्क्रीन फॉर योर फेवरेट चैनल. सो यू हैव न्यूक्लियोसाइड एंड यू हैव न्यूक्लियोटाइड. बिल्डिंग ब्लॉक कौन है आपका? बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड. पहला मॉलिक्यूल क्या है? न्यूक्लियोसाइड. व्हाट इज अ न्यूक्लियोसाइड? शुगर एंड बेस. व्हाट आर ऑल थ्री कॉल्ड? शुगर, बेस एंड फॉस्फेट आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. अब एक चीज और समझ लो, प्लीज समझो फटाफट. मैं इसके बड़े ट्रिक्स बताती हूँ थोड़ी सी आपको. ट्रिक्स, चलो आओ, ट्रिक्स टू रिमेंबर. बेटा देखो, एबीसीडी करते हो, एबीसीडी, ईएफजीएच, आईजे, केएल, एमएन, ओपीक्यू, आरएस, टीयूवी. राइट, तो पहले आता है एस, फिर आता है टी, फिर आता है यूपी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. तो पहले मतलब स्मॉल, छोटा. तो पहले कौन आएगा? शुगर प्लस बेस. डन. और टी बाद में आएगा, तो बाद में उसके साथ कौन अटैच हो जाएगा? ट्रिक नंबर वन. ठीक है, ट्रिक नंबर टू, डी ऑक्सी. डी का मतलब होता है डेफिशिएंट, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन. तो डी ऑक्सी हो गया, डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन. तो शुगर कौन सी है? सेकेंड कार्बन में नो ऑक्सीजन, डी ऑक्सी. सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता, डी ऑक्सी राइबोस बन जाता है. ठीक है, सेकेंड ट्रिक. थर्ड ट्रिक, प्योरिटी. हाउ डू यू नो समथिंग इज प्योर? अगर आपने घी लेना है, यू वॉन्ट बाय कर्ड, यू वॉन्ट बाय एनीथिंग वर्थ ईटिंग, तो हाउ डू यू नो इट इज प्योर? फॉर प्योरिटी यू हैव एग मार्क, एग्रीकल्चरल मार्क. प्योरिटी का निशान क्या होता है?
एग मार्क. व्हाट इज द निशान ऑफ प्योरिटी? एग मार्क. तो प्योरिटी का कैसे पता चलेगा? प्योरिन, एडिनिन, ग्वानिन, राइट? पी यू ए जी. बाकी बचा पिरिमिडिन. डन डन आर डन. यस. तो ये शुगर एंड बेस, और तीन जब फॉस्फेट ऐड हो गया तो बन गया. अब मैं आपको जब डीएनए पूरा कराऊंगी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा. टू डीऑक्सीराइबोज, टू डी, इसका मतलब ही क्या हुआ कि सेकेंड कार्बन, डी का मतलब डेफिशिएंट ऑक्सी, सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सी. और राइबोज के पास क्या होगा? सेकेंड कार्बन विल ऑल्सो हैव दी परफेक्ट. और नाइट्रोजन हेटेरोसाइक्लिक, ये देखो रिंग, रिंग नाइट्रोजन में रिंग स्ट्रक्चर, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उसे क्या कहेंगे? हेटेरोसाइक्लिक. ये सारे बॉन्ड्स भी मैं आपको करा दूंगी. एनी डाउट्स? परफेक्टो. चलो, तो जितने बच्चों को ये समझ में आ गया वो सारे अभी के अभी इस चैनल को हिट द सब्सक्राइब बटन कर देंगे, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग. अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. देखो फिजिक्स वाले अपना डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी करेंगे, केमिस्ट्री वाले अपनी वैलेंस बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर करेंगे, तो बायो वाले ने बोला हम कैसे पीछे रहे, सारे स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, तो बायो वाले भी अपना स्ट्रक्चर ले आए. केमिस्ट्री वाले अपनी वैलेंस बॉन्डिंग करेंगे, फिजिक्स वाले डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी करेंगे, तो बायो वाले ने सोचा यार हम भी तो स्ट्रक्चर लेकर आते हैं. क्या कहते हो बच्चों? बायो वाले ने कहा ऐसे कैसे तुम्हारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी, अरे इतना यू नो पी शेल एल शेल इतना वैलेंस बॉन्ड हो रहा है. तो बायो वाले ने कहा हम भी स्ट्रक्चर लेकर आते हैं. उन्होंने कहा पहले हम आएंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट, जो चेन ऑफ अमाइनो एसिड है. इज इट क्लियर? कोई मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लाइन की तरह होता है. एक अमाइनो एसिड ऊपर, इसको मान लो N, इसको मान लो अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप, इसको मान लो N टर्मिनल, यहां अगर COH है इसको मान लो C टर्मिनल. उसके बाद कहा ऐसे कैसे, इसको तो ट्विस्ट करो स्टेयरकेस की तरह, जैसे डरावना सा एक वो स्टेयरकेस होता है ना उसकी तरह इसको ट्विस्ट करो. ठीक है कर देते हैं, ये लगा हुआ है ट्विस्ट स्टेयरकेस की तरह, रिवॉल्विंग हेलिक्स बना दो, ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो वो जो भूत वाली मूवीज का स्टेयरकेस होता है उसको ट्विस्ट कर दो, तो ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ठीक है, फिर बोलते ठीक है आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेंटी आ रहा है शांति ही, राइट. पर बच्चों अगर आप क्लास 11th में हो बिल्कुल 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 मत भूलिएगा कि अगर आप क्लास 11th में हो दिस इज द टाइम कि आप पूरा क्लास 11th रिवाइज कर सकते हो इन द लास्ट फ्यू डेज, सो दैट यू रियली रियली कैन डू वेल इन द एग्जाम, राइट. यू हैव द बेस्ट लर्निंग ऐप फॉर यू ऑन विदांतु लाइव क्लासेस, इंग्लिश हिंदी बैचेस, इन द क्लास यू सॉल्व योर डाउट्स, लर्न कंप्लीटली माय डियर चिल्ड्रन. जो टॉपिक हो गया उसका माइक्रो कोर्स ले लीजिए, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग, राइट. पर डे प्राइस इज जस्ट दिस मच, जस्ट लुक एट दिस नंबर ऑफ आवर्स, आप 4-4 आवर्स पढ़ रहे हो, 1-1 आवर कमिंग डाउन टू जस्ट रुपीज 20. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी गाइज. चले जाइए vdnt.in/ytpro, यूज द कोड vdpro. तो आपको ये दिख रहा है, मैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे भी आने वाली हूं, बॉन्ड्स कराने के बाद फाइनली फिर मैं आपके एमसीक्यूज पे आऊंगी. इज दैट क्लियर? तो मैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे आने वाली हूं, तो आप मेरी ध्यान से बात सुनिए. देखिए अमाइनो एसिड को आपने ज्वाइन कर दिया. अच्छा ये बॉन्ड क्या है, मैंने पढ़ाया आपको, ये देखो 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 ये कौन सा बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड है ये? वेरी गुड सना खान, द फर्स्ट वन टू आंसर. क्या ये लाइन से लगे? ये बिल्कुल ऐसे शांत, यू नो ऐसा कैसे है? ये है आपका जब टीचर क्लास में है, टीचर है, और ये क्या है? असेंबली डिस्पर्स, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ये क्या है आपका? असेंबली डिस्पर्स, रोज बताया जाता है फिर भी असेंबली वैसे ही डिस्पर्स
होती है. करेक्ट एवरीवन. तो आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले आपका क्या है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, प्राइमरी स्ट्रक्चर किया. प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद आपने उसको हेलिक्स के फॉर्म में चेंज कर दिया, हेलिक्स. तो जब आपने उसको हेलिक्स के फॉर्म में किया, स्टेयरकेस के फॉर्म में किया, वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया. राइट आपने उसको कैसे किया, आपने उसको राइट हैंड हेलिक्स ऐसे लेकर ट्विस्ट कर दिया, हेलिक्स. राइट राइट हैंडेड डन. तो आपका क्या बन गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर. बेटा क्या आप इसको एक थ्री डायमेंशनल व्यू दे सकते हो, क्या आप इसको एक ग्लोब्यूल बना सकते हो. एक होता है कपड़ों को फोल्ड करना, एक होता है सडनली आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है, अंडर द बेड आइए, फिर पैरों में कुछ फंस गया बेड के नीचे. यस, एक होता है कपड़ों को फोल्ड, एक आपके घर में यस जस्ट थ्रो इट, प्लीज कम. घर बड़ा साफ लग रहा है, हमारा घर ऐसे ही रहता है एकदम साफ. डिड यू अंडरस्टैंड, राइट, थ्री डायमेंशनल व्यू, टर्शियरी स्ट्रक्चर सी, किच पिच. यस. और अगर कई प्रोटीन है जहां मोर देन वन सब यूनिट है, पहली सब यूनिट, दूसरी सब यूनिट, तीसरी सब यूनिट, चौथी सब यूनिट, कैन यू सी दैट, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. क्या कहते हो, चुन्नू मुन्नूज. यस एवरीवन. आपको कैसे पता, कहानी घर घर की. यस और नो, यही तो है कहानी घर घर की. तो सबसे पहले प्राइमरी, प्राइमरी बेटा जी, आप जहां पे पढ़ाई कर रहे हो वाणी मैम वहां की प्रिंसिपल रह चुकी हैं. क्या कहते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर ये हुआ आपका टर्शरी, और जब बहुत सारे होते हैं उनको कहते हैं क्वार्टरनरी. यस एवरीवन. और फिर कुछ दिख जाता है, कुछ हमें दिख जाता है, गेस्ट को नहीं दिखा, हमें दिखा वो कोने में, सफाई होगी वहां. यस एवरीवन. तो ये आपका प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है. नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा है, नेचर ऑफ बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड COOH with NH2 is going to give you CONH. Water molecule is going to come out. Understood? Monosaccharides आपस में कैसे लिंक होंगे, very important. Monosaccharides को कैसे लिंक करेंगे, glycosidic bond. Yes everyone. और nucleic acids में देखो बेटा, ये होता है DNA बैकबोन, और ऐसे बीच में बेस लगे होते हैं. तो यहां बैकबोन में पता क्या होता है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट. तो जहां पर भी शुगर एंड फॉस्फेट ज्वाइन हो रही है, कौन सा बॉन्ड है, बिटवीन मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अगर आप बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट PO4 एंड OH ऑफ शुगर, शुगर फॉस्फेट, इस बॉन्ड को कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर. फॉस्फो, लक्ष्मी चौधरी प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू. फॉस्फोडाइएस्टर क्या कहलाएगा, तो CONH पेप्टाइड, CONH पेप्टाइड. मोनोसैकेराइड के बीच का बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक, शुगर फॉस्फेट का बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर. चलो लेट्स रीकैप, CONH पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक क्या है, ग्लाइकोसाइडिक क्या है, what is a glycosidic bond, glycosidic is between monosaccharides and phosphodiester, kya hai, sugar phosphate ke beech ka bond. Did you understand everyone? Yes everyone. Did you understand everyone? Right. To DNA aapka double helix hai, इधर अगर 3 है जिसपे हाइड्रोक्सिल लगा है, और 5 है फिफ्थ कार्बन ऑफ द शुगर जिसपे फॉस्फेट लगा है, तो ऑपोजिट साइड में 3 के सामने होगा फिफ्थ कार्बन ऑफ फॉस्फेट एंड 3 कार्बन ऑफ हाइड्रोक्सिल. बीच में होगा A जो 2 बॉन्ड बनाएगा T के साथ, और G जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. मैं आपको जेनेटिक्स में सब पढ़ा दूंगी, आप टेंशन मत लो, टेंशन लो ही मत, डन. और ये क्या है,
ये है आपका शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट विच बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन शुगर फॉस्फेट. बीच में कौन लगा है? नाइट्रोजनस बेस. अगर इधर ए है तो इधर टी होगा, इधर टी है तो इधर ए होगा, जी है तो सी होगा. यस और नो? राइट, वेरी नाइस एवरीबॉडी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस? ए टी जी सी. हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन जी एंड सी? थ्री. हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ए एंड डी? How many hydrogen bonds between A and T? 2. And how much? After 10 base pairs, it is turning. 10 base pairs ke baad, it is turning. So what is the pitch? 34 angstroms. Ye jo pitch hai na ye, agar main double banau. After 10 base pairs, it is turning. So though this pitch is 34 angstroms. So the distance between two, because there are total of 10. So 34 divided by 10 will be 3.4 angstroms. Samikshya Patil, amazingly well done. Diameter done everyone. So yahan par aaj ki class khatam hoti hai. और टाइम शुरू होता है सुपर अमेजिंग मेंटी का. व्हाट से? यस, सुपर डुपर ऑसम मेंटी इज अबाउट टू बिगिन राइट नाउ. सो कल सुबह होगा आपका एनसीईआरटी सरप्राइज टेस्ट, एनर्जी फ्लो, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स. जो टॉपिक समझ ही नहीं आता है एंजाइम्स, और 100% क्वेश्चन आते हैं. कितने बच्चे एंजाइम समझ नहीं आता, क्वेश्चन आते हैं. So that we are going to be doing tomorrow. Chalo karte hain mentee. So make sure that each one of you likes, subscribes, shares, rings the bell icon, becomes a part of We Biotonic. Chaliye aa jaiye mentee.com. Old students, I want to help the new ones. Are mentee ka josh dekho, kids have already joined. Kids have already joined the mentee. चलिए, तो मैं आपको बता भी देती हूं आपने मेंटी ज्वाइन कैसे करना है. ये देखो, menti.com के बाद आपने menti.com में डालना है 7494717. अच्छा ये बता, अगला टॉपिक क्या कराए? ज्वाइंट एवरीवन, नटाली ज्वाइंट, हेमी ज्योति देखकर ज्वाइंट. Starting in 5, 4, 3, 2, 1. Quickies. Kare start. अरे वाओ, चलो स्टार्टिंग माय काउंटडाउन. कॉन्जुगेट, आई टोल्ड यू जो ज्वाइंट होता है.
which is called a conjugate. अरे यस बेटा, ग्लोब्यूलिन अकेले होता है एल्ब्यूमिन. देखो चलो करोगे तो ही पता. कॉन्जुगेट इज हीम एंड ग्लोबिन, विच एवर इज जॉइंट. फ्लैवो प्रोटीन, फ्लैवन मोनोन्यूक्लियोटाइड एफएमएन, जो भी दो चीजों से जुड़कर बनता है उसको कॉन्जुगेट कहते हैं. यस और नो? यस और नो? Conjugation, whatever is made from joining of two things, that's called a conjugate. So it is joint flavor protein. Done? Ab to nahi bhuloge? Oopsies! No worries. This oops moment also will help you in your examinations. Next question, my children, who knows? Come on, readers. Divyanshi, Aditi, Divya Chauhan. Thank you, Mantasha, Mahesh, Sana, Nishtha, Phoenix. ओके बेटा अपना नाम बता दो. अभिनव. चलिए क्वेश्चन नंबर टू. ग्लाइको, ग्लाइको प्रोटीन्स कंटेन व्हाट? ग्लाइको प्रोटीन्स, वेरी नाइस अगेन, वेल डन. प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, अब समझ में आ गया. ग्लाइकोजन प्रोटीन, वेरी गुड, यू बीन एबल टू डिसाइफर इट, वेरी गुड. दिव्यांशी, अदिति, महेश, नक्का, नॉट पॉसिबल टू फॉरगेट यू. फिनिक्स, अभिनव, हिबा, और के रूपाली, जन्मी एंड दर्शन, लवली. अगला सवाल, चलो किड्स, कम ऑन कम ऑन, मेक श्योर दैट यू देयर एंड यू आर डूइंग इट, एंड मेक श्योर ईच वन ऑफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब्स. लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वॉटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर इनसॉल्युबल. है क्यू? न्यूट्रल है, ज्विटर आयन है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है. Lipid molecules are hydrophobic. Yes, they are hydro. They are afraid of water. They are hydrophobic. Divyanshi, Mahesh, Shiva, Rupali, Janvi, Darshan, Saloni, Nancy, Isha, and Pooja. Question number fourth on your screens. Aluron. Grains ke bahar protein hai, carbohydrate hai, kya hai? Enzyme hai, carbohydrate hai, protein hai, fat hai. फर्स्ट चैप्टर के साथ लिंक करो. अरे वाह, इट इज प्रोटीन, वेरी गुड. दिव्यांशी, महेश, हिबा, रूपाली, सलोनी, नैन्सी, पूजा, कल्पना, मुन्नी जी एंड प्रिया, लवली. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परसों इस टॉपिक पे फुल टेस्ट होगा, फुल टेस्ट एनसीईआरटी पे. डन? कौन प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट? वेरी नाइस गाइस, प्राउड ऑफ यू. अच्छा जवाब देना है.
Very good. Same bacteria, algae, and green plant cells. Some bacteria, some algae, and green plant cells. Viruses kaise produce kar lenge? Mahesh, Divyanshi, Hiba, Rupali, 9CR, Vaishnavi, Hina, Khushi, and Sana Khan, AFMC saath jayenge. Bilkul beta, AFMC jana hai aap logo ne. Mahesh Nakka, very, very well done. Good guys, I'm going to see you again already at 9 PM, but that's not going to happen today. Or you never know if I come for a surprise lecture. But I will definitely see you sharp, sharp, sharp at 10 AM tomorrow morning for the surprise test, okay? So don't forget that. Bye kids, see you in the next class. Ta-da! Bye-bye. Kal hum aapke time pe karne wale enzymes aur parso aapka test hoga. Bye!